सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। ग्रीष्म अवकाश में घर नहीं बैठ सकेंगे शिक्षक, दिया जाएगा प्रशिक्षण। राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का हुआ गठन, अभिभावकों को दी जाएगी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो खबर आ रही है कि ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक है वो घर नहीं बैठ सकेंगे, साथ ही उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा FLN से संबंधित, जिनकी रिपोर्ट अभिभावकों के साथ, बच्चों की जो रिपोर्ट है वो अभिभावकों के साथ साझा की जाएगी। नानी, दादा दादी, नाना नानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाना होगा। बात करें इस खबर की तो ग्रीष्म अवकाश में शिक्षक नहीं बैठ सकेंगे, घर दिया जाएगा प्रशिक्षण। आगामी ग्रीष्म अवकाश में अगर कोई शिक्षक कहीं घूमने अथवा घर बैठने की सोच रहा है तो वह गलत सोच रहा है, क्योंकि सरकार ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की कार्य योजना बना रही है, इस पर मुहर लगना बाकी है। इस संबंध में गत दिनों स्कूल शिक्षा भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान दक्षता पहल यानी FLN के प्रभावी क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर इसकी बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही बैठक में जो मुख्य रूप से इस संबंध में चर्चा की गई कि FLN को मिशन मोड पर संचालित करने एवं नियमित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्य योजना बनाने पर विचार किया गया। इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी निदेशालय RSCIT उदयपुर एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा को सौंपी गई है। इसके अलावा लर्निंग गैप को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध करवाई जा रही कार्य पुस्तिकाओं की विषय वस्तु को पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने पर भी चर्चा की गई है। इसकी जिम्मेदारी है भी RSCIT उदयपुर प्रशिक्षण प्रकोष्ठ स्कूल शिक्षा को सौंपी गई है। साथ ही विद्यार्थियों की प्रगति के आंकलन के लिए उपलब्ध करवाए जा रहे रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के मध्य नियमित अंतराल पर साझा करने को कहा गया है। बैठक में शिक्षक अभिभावक बैठक में विद्यालय प्रबंधन समिति को सशक्त करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा FLN के संदर्भ में तैयार की जा रही टीचर हैंडबुक के लिए कमेटी बनाने पर चर्चा की गई। इसमें शिक्षा निदेशालय RSCIT उदयपुर तथा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद तथा यूनिसेफ के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। दादा दादी नाना नानी को बुलाने पर दिया जाएगा बल। इस बैठक में बच्चों की माताओं की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास और उनके विद्यार्थियों की प्रगति को साझा करने पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा बैठकों में माताओं के साथ साथ दादा दादी तथा नाना नानी एवं घर में बड़े बुजुर्गों को भी बैठक में बुलाने पर बात हुई, ताकि उनके अनुभवों से शिक्षकों और विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। बात करें इसी के संबंध में एक और खबर की तो शिक्षक ग्रीष्म अवकाश में नहीं बैठ सकेंगे घर। आगामी ग्रीष्म अवकाश में अगर कोई शिक्षक कहीं घूमने अथवा घर पर बैठने की सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि राज्य सरकार है वो ग्रीष्म अवकाश में शिक्षकों को कार्य योजना बना रही है, इस पर मुहर लगना बाकी है। इस संबंध में गत दिनों स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान दक्षता पहल यानी FLN के प्रभावी क्रियान्वयन और सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी की का गठन कर इसकी बैठक आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, अगर इस खबर के संबंध में अगर कोई ग्रीष्म अवकाश में प्रशिक्षण आयोजित होता है तो अलग से इसके संबंध में आदेश आएगा। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने